बेमेतरा जिले में बनाए गए जिला अस्पताल की सुविधाएं मिलने की आस यहां के जिले वासियों को थी, लेकिन लापरवाही के चलते जिला अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है। राज्य शासन की ओर से जिला अस्पताल में 80 लाख की लागत से 12 आईसीयू और एचडी यूनिट की स्थापना की गई थी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आपको बता दें कि आईसीयू वार्ड की स्थापना इमरजेंसी रिस्पॉन्स कोविड-19 के समय की गई थी, लेकिन इसका लाभ जिलेवासियों को नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, हालत तो ये है कि जिला अस्पताल में लोगों को बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं और यह अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। इसको लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की। इस दौरान कलेक्टर स्वयं जिला अस्पताल पहुंचे और जिला अस्पताल पहुंचकर वहां का औचक निरीक्षण भी किया था और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। वहीं आईसीयू वार्ड के संबंध में कलेक्टर ने कहा था कि जल्द ही इस यूनिट की शुरुआत कर दी जाएगी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल में साफ सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के भी निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों को यह भी ध्यान रखने के निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और समय पर उनका उपचार हो। पहले भी इनके लोग के खिलाफ आरोप लगा था, फिर भी हम लोग बोले चलो अभी इन लोग को मौका दिया गया तो ये लोग कुछ दिन का समय मांगे थे कि इनमें बहुत जल्द सुधार किया जाएगा। कभी पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, कभी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कभी मरीजों का छोटे छोटे जो मरीज हैं जिनको कुछ चोट लग जा रहा है, पट्टी मलहम है, वो बाहर से दवाइयाँ मंगाई जा रही है, दवाई होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हॉस्पिटल में सुविधा सरकारी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सेटिंग करके पेशेंटों को ट्रांसफर किया जा रहा है, ये चलेगा नहीं। हाँ, मैंने अभी निरीक्षण किया था और 15 दिवस के अंदर में कार्य को पूर्ण करने निर्देश दिया गया है। जो छोटे छोटे बच्चे काम हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है, शीघ्र ही ये लोगों के लिए उपलब्ध होगा।